सभी को मेरी तरफ से और हमारे सभी व्यूअर्स को, प्यारे प्यारे दोस्तों को, प्यारे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों को, सभी को दिल से बहुत बहुत ईद की मुबारक मुबारकबाद। टाइम तो पता ही नहीं चला, 6 बज गए। ये आ चुके हैं सुबह सुबह जामा मस्जिद। चलो नहा रहे हैं यहाँ सारे के सारे। सुबह के इस दिन 5 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट, हम तो और भी पहले आने वाले थे। आज ईद की नमाज़ है वो हम जामा मस्जिद में अदा करेंगे। तो मैं और वारिस हम दोनों आए हैं यहाँ पे। क्राउड इस टाइम भी देख रहे हो, पूरी रात मार्केट चली है। इस टाइम दुकानें बंद हो रही है। रुक जा भैया, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, सबर कर। तो भाई ये है हमारे मस्जिद जाने का रास्ता। आई थिंक शायद जो मेन गेट है वो यही वाला गेट होगा, है ना। यहाँ से आज होगी हम सब की एंट्री। और भाई पूरी रात मार्केट खुली हुई है, यहाँ पे बढ़िया सजा रखा है, अच्छा लग रहा है। पहली बार ऐसा फील हो रहा है कि हम नमाज पढ़ने गए, वरना कल पता है जब यहाँ भीड़ थी उस टाइम तो बड़ा अजीब लगा था, अभी खाली। और भाई शाम के टाइम, दिन में बहुत रश होता है भाई, बहुत रश होता है यहाँ पे, एक अलग ही फीलिंग आ रही है यार। भाई फजर की नमाज हो रही है, ऑलमोस्ट फुल है। वारिस आगे आगे, तो भाई फाइनली हम मस्जिद के अंदर आ चुके हैं। और इस टाइम ये है हमारा एंट्री गेट जहाँ से एंटर हुआ था। और देख रहे हो पीछे क्राउड बहुत ज़्यादा है यार। जिस टाइम हम यहाँ पहुँचे थे ना, उस टाइम पे यहाँ फजर की नमाज़ हो रही थी। ये देखो भाई उड़ते भी आ रखे, भाई इनका क्या काम है। वहाँ से वो दिख रहा है, वहाँ से एंट्री है, मेन गेट वही है। वो तो यहाँ जो बचे कुछ लोग हैं वो आ रहे हैं, वही आ रहे हैं यहाँ से। एक स्नैप तो बनता है। अब इस टाइम पे ना थोड़ा मौसम साफ हो रहा है। जिस टाइम पे मैं आया था उस टाइम पे यहाँ पे फजर की नमाज़ हो रही थी, तो हम लोगों ने फजर की नमाज़ बाजमात पढ़ी है। अभी कम से कम हमें पूरा 1 घंटा वेट करना है, 1 घंटे के बाद हमारे यहाँ पे नमाज़ होगी, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से, फिर देखते जो भी होगा। मैं सीरियसली कहूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ मैं जामा मस्जिद पर ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए, मैं पहली बार आया हूँ। ये है हौज, यहाँ वजू कर रहे हैं। ये है भाई जामा, इतना खूबसूरत लग रहा है। और ये देखो यहाँ सब काम हो जाएगा। ये इमाम है, शाही इमाम, यही शाही इमाम यही है। जिस मूवमेंट का इंतज़ार था ना, वो मूवमेंट आ चुका है। कितना बेसब्री से इंतज़ार था इस मूवमेंट का। नमाज़ पढ़ेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से। टाइम तो पता ही नहीं चला, 6 बज गए। Well, enough.
खुतबा भी कौन सा? हाँ नमाज को बयान वयन थोड़ी होगा, नियत बताए भी ना बताए कह नहीं सकते अभी। आई थिंक शायद बताएंगे, वैसे बताते हैं हर जगह तो शायद बताए। फर्स्ट टाइम हम यहाँ नमाज़ पढ़ने आए थे, ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए पहली बार आया और बहुत ज़बरदस्त भी बता नहीं सकता मैं। जो बाहर का मेन रोड है ना वहाँ पे भी नमाज़ हो रही है, अब सोचो बहुत ज़्यादा, यहाँ से लेकर भी पूरा वहाँ मेन रोड पर नमाज हो रही है। चलो देखते हैं और पता नहीं कितना टाइम लगेगा। भाई हमारा जो है ना ये पूरा मस्जिद कवर कर रहा है, पूरा मस्जिद का व्यू आ रहा है इसके अंदर। भाई नमाज शुरू होने वाली है, अब बंद करो कैमरा, चलो नमाज का तरीका बताएंगे। डायरेक्ट नमाज शुरू हो गई। ईद मुबारक, ईद हो गया हमारा, ईद की नमाज हो गई है, अब घर पे जाके सोना है आराम से। आ जाओ जल्दी आ जाओ। तो भाई फाइनली हमारी नमाज वमाज सारी चीज़ें हो चुकी है और अब निकलने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। थोड़ा कुछ फ़ोटो सेल्फी वगैरह ले लें, बाल को थोड़ा बांधना पड़ेगा। तो अब चलते हैं भाई, यहाँ से निकलते हैं यार, थोड़ा बाल वाल को बांध लिया हमने, ठीक है। निकलते हैं बाहर, निकल के कुछ खाएंगे पियेंगे और उस चलते रहो भाई, चलते रहो साइड में, हमारे साइड कहाँ चला गया पता करो कहाँ है। गाइज मेरी तरफ से आप सभी को, आपकी प्यारी प्यारी फैमिली को और आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो फाइनली अभी हमारा जो है नमाज हो चुका है और अब निकलने की तैयारी है, कुछ खा पियेंगे यार, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है इस टाइम, ठीक है। घर जाने में टाइम लगेगा, यहाँ से देखो कहाँ बहुत ज़्यादा करवाता, बहुत ज़्यादा। कभी भी गाइस मौका मिले
तो एक बार जामा मस्जिद पे आने का ट्राई करना, ईद के दिन एक अलग ही मज़ा आता है, ईद की नमाज के टाइम पे। वैसे तो आते ही घूमने के लिए, बट नमाज के लिए कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे आओगे तो भाई कम से कम एक घंटा पहले आना। बिरयानी खा रहे नमाज के बाद, भैया थोड़ा पानी डाल देना हाथ पे यार, बहुत टेस्टी बिरयानी है भाई। नमाज वमाज हो गई, अब निकल रहे हैं यहाँ से, ठीक है। उस साइड से अगर मैं एग्जिट करता तो थोड़ा और भी अच्छे से बेटर से दिखा सकता था। यहाँ पे मेला लग रहा है, ये देखो गाइस, ये मेला लग रहा है, ये यहाँ पे मेला लग रहा है, ये बहुत बड़ा मेला है, ये ईद का मेला लगता है, हर साल लगता है ये। अस्सलामुअलैकुम भाई जान। वालेकुम सलाम, वालेकुम भाई, ईद मुबारक हो भाई। थैंक यू, आपको भी ईद मुबारक हो। आपको भी गाइस, फाइनली इस टाइम पे हम लोग पहुंच चुके हैं सिग्नेचर ब्रिज, जो कि हमारे घर के नियर बाई पड़ता है। अभी यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ फ़ोटो वोटो शूट किया है, एक दो रील्स वील्स बनाया है। अगेन मैं आपको और आपकी पूरी फैमिली को, आपके बहन, आपके भाई, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी एक्स, आपके दोस्त, आपके दुश्मन, सभी को दिल से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद और आप सभी को बधाई हो और बहुत बहुत मज़े करो, ठीक है। तो चलो अब जल्दी फटाफट, तो चलो जल्दी फटाफट आप चलते हैं घर और फिर मिलते हैं, देखते हैं अभी क्या करना है। जाके कुछ नहीं करना है, खाना तो ऑलरेडी मैंने बिरयानी खा लिया है, अब पता नहीं घर पे खाऊंगा नहीं खाऊंगा, और जाके सीधा फिर सोना है मेरे को, और कुछ नहीं करना है बस।